हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुणा एबीसी आर्ट्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जाएंगे फैंसी एनवलप्स। फैंसी एनवलप्स के लिए हमें कुछ सिंपल एनवलप्स मैंने इसमें यूज किए हैं, वेलवेट पेपर, फैंसी हैंडमेड पेपर या जो भी पेपर आपके पास में हो वो चलेगा, कुछ न्यूज़पेपर, लेस, जो भी लेस आपके पास में हो, गोटा की लाइन्स और कुछ लटकन, बूटी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हो इसमें, ग्लू गन, कुछ स्टोन्स डेकोरेशन के लिए। चलिए आइए हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम पेपर की कटिंग लेंगे। एनवलप बनाने के लिए सबसे पहले हम पेपर की कटिंग तैयार कर लेंगे, उसका माप लेके हम काटेंगे। ये एक पेपर है, इसे हम एनवलप पर इस तरह एनवलप के नीचे रख लेंगे और अंदाजे से आधे से एक सेंटीमीटर दोनों तरफ से बड़ा होना चाहिए और इस तरह से हम माप ले लेंगे। बिल्कुल एनवलप के साइज का दोनों साइड होना चाहिए। इस तरह से अंदाजा लेके इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हमें इसे से फोल्ड करना है और पेंसिल से इस तरह का राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इसमें शेप ड्रॉ होने के बाद में हमें इसे काट लेना है। ये इस तरह की कटिंग हमें मिल जाएगी। अब ये कटिंग को हैंडमेड पेपर पे रख के कटिंग कर लेना। हैंडमेड पेपर को इस तरह से आधा कट कर लीजिए। इसके ऊपर ये पेपर रख के हमें ये शेप्स कटिंग करनी है। कुछ इस तरह से होगी ये शेप, मैंने कटिंग कर रखी है। हमने कटिंग ले ली इस तरह की। इस पर हमने ये एनवलप रखना है इस तरह से। देखिए आप दोनों तरह से साइड्स बाहर निकल रहे हैं। ये एनवलप से बड़ा होगा अपना पेपर। अब हमें इसे एक फोल्डिंग लेनी है, थ्री फोल्ड लेना है अंदाजे से, कुछ इस तरह से। ये इस तरह की शेप आ जाएगी। अब हम सबसे पहले एनवलप चिपका देंगे ग्लू गन की हेल्प से। इस तरह ग्लू गन लेकर बिल्कुल अंदाजे से सेंटर लेके इस तरह से चिपका देंगे। कुछ इस तरह से दिखेगा। फोल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, एकदम क्रिस्प, ताकि फिनिशिंग आए। अब इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इस पर मैंने ये वाला लेस इस्तेमाल किया है। इसे हम चारों तरफ राउंड में लगाएंगे। इस तरह से हल्का सा एनवलप से बाहर निकलता हुआ, इस तरह से। ग्लू गन लगाएंगे किनारे पे हल्का सा। और इसे आधा बाहर की तरफ और आधा अंदर की तरफ करके इस तरह से चिपका देंगे। देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा। इस तरह से हम इसे चारों तरफ से चिपका लेंगे ग्लू गन की हेल्प से। ये हमारा लेस लग के रेडी हो गया है। कुछ इस तरह से लगेगा पूरे में लग के। अब हमें इसे इस तरह से सीधा करना है और फोल्ड करना है। सिंपल जो हमने फोल्डिंग की थी वहीं से इस तरह से। देखिए इस तरह का लुक आएगा इसका। अब बहुत सिंपल है। इस पे हमें बूटियाँ ले रखी है, मैं ये बूटी इस पर लगाऊंगी। इस तरह ग्लू गन की हेल्प से हम ये बूटी लगा देंगे।
थोड़ा ध्यान से ग्लू गन गर्म होती है, आपके हाथ पे ना लग जावे, ध्यान रख के आपको लगानी है। देखिए मैंने क्या किया है, ये पोर्शन नीचे, ये पोर्शन ऊपर, और सबसे सिंपल एक सेंटर पे गुटिया पूछ के इस तरह से कुछ देर रुक जाएंगे चिपकने के लिए। ये हमारा एक एनवेलप रेडी हो गया है, लगने के बाद वो कुछ इस तरह से लगेगा। मैंने इसका ये सीधा साइड रखा है, आप चाहें तो आप इसे भी रख सकते हैं, बूटी आप यहाँ की जगह आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, मैंने इसे इस तरह से रखा है। एक और एनवेलप शुरू करते हैं हम। देखिए इसमें मैंने सेम कटिंग जो आपको पहले बताई थी वही कटिंग की है। इसमें मैंने पेपर को इस तरह से फोल्ड करके, हाफ फोल्ड करके इस तरह से वी शेप में कटिंग किया है, और सेम रख के मैंने इसमें वेलवेट पेपर का इस्तेमाल किया है, वेलवेट पेपर पर रख कर मैंने सेम इस तरह का वेलवेट पेपर पे कटिंग कर लिया। अभी हम सबसे पहले इस पर मैंने ये लेस का इस्तेमाल किया, मैंने इसकी एक सिंगल लाइन कटिंग की है, जिस तरह इतनी चौड़ी पट्टी है उसकी मैंने एक सिंगल लाइन कटिंग की है, वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। जैसे पहले एनवेलप मैंने बताया था आपको, बिल्कुल उसी तरह इसे रखना है। ये एनवेलप को इस तरह से सेंटर पे, और वही थ्री फोल्ड, हल्का सा बड़ा लेना है, अगर बड़ा नहीं होगा सेम साइज का कट रहा है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा ही लेना है। देखिए मैंने इस तरह से लिया इसका मार्किंग, आप से हल्का सा बड़ा भी छोड़ सकते हैं, इसे मैंने सब छोड़ा इसे, और मार्किंग दे दीजिए। इस तरह से बिल्कुल वैसे ही मैंने चिपकाना है। सावधानी से लगाएं ग्लू गन, सेंटर देख के हमें इस पर कुछ इस तरह से, थोड़ा आगे पीछे लगेगा तो घबराए नहीं, सब चल जाएगा इसमें लगने के बाद। ये देखिए इस तरह से ये फोल्डिंग हुई, बिल्कुल उसी तरह से तैयार किए, बस मैंने इसमें वेलवेट का पेपर यूज़ किया है इस तरह से। अब हम इस पर ये जो बारीक कटिंग की हुई लेस है वो लगाएंगे ग्लू गन की हेल्प से, इस तरह से हल्का हल्का इसमें ग्लू गन लगा ले। और लेस को इस पर इस तरह चिपका दे, यहाँ कॉर्नर से हल्की सी ढीली लूज छोड़ देवे, क्योंकि हम ये देखिए फोल्ड करेंगे ना कुछ इस तरह आनी चाहिए, ताकि हमारी निकले नीचे पतने के बाद में, वो आप ध्यान रखकर पूरे एनवलप पर कॉर्नर पे आपको इस तरह से लेस लगानी है। देखिए हमारा लग के रेडी हो गया है, कुछ इस तरह से लगेगा ये। फोल्डिंग का आप ध्यान रखना, देखिए मैंने फोल्डिंग ध्यान रखे तो इजी हो गई, और से ये इस तरह से लगेगा कुछ। अब हम इस पे डेकोरेशन इस तरफ करेंगे, पहले वाले एनवेलप पे हमने यहाँ किया था, इसमें हम यहाँ करेंगे। इसके लिए मैंने ये बूटी, ये लटकन और ये फूल का इस्तेमाल किया। इस बूटी को हमें लगाना है, ध्यान से लगाएंगे हम इस तरह से, इस बूटी को आधा बाहर की तरफ रखेंगे और बाकी पूरा हमें ग्लू गन से चिपकाना है। इसे आधी बूटी, आधी भी नहीं, आधी से बहुत कम, कुछ हिस्सा सिर्फ डिज़ाइन का हिस्सा मैंने बाहर छोड़ दिया, और बाकी पूरी बूटी इसमें सेंटर में लेके एनवेलप के ये लगा देंगे ग्लू गन की हेल्प से। उनको हम कॉर्नर्स पे ठीक से ले लेंगे, ताकि वो निकले नहीं। अब हमने ग्लू गन ले लिया है, देखिए कुछ इस तरह से कुछ हिस्सा बाहर
it in there. कॉर्नर पे हमें ग्लू गन का ध्यान रखना है ताकि कॉर्नर चिपक जाए, नहीं तो ये पलट के बाहर निकल जाएंगे। जिस तरह हमने ये लगाया है बूटीज पर उसी तरह हम ये लटकन भी लगा लेंगे। कुछ हिस्सा लटकन का हम इस तरह से बाहर लटकता हुआ छोड़ देंगे, कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा। अब पूरे बीच के पोर्शन पे हम ग्लू गन लगाना है। अंदाजे से आप सेंटर ले लें इस तरह से, ये लटकन यहाँ लगा दें। ये बीच का गैप छुपाने के लिए मैंने ये वाली पुट्टी का यूज़ किया है। ग्लू गन लगा देते हैं, ये पुट्टी को हम इसके सेंटर में कुछ इस तरह से चिपका दें। थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे, ये मेरी पुट्टी ढक रही थी, मैंने इसे थोड़ा सा नीचे सरका दिया। ये देखिए हमारा और एनवलप रेडी हो गया है। आइए बढ़ते हैं एक और एनवलप की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो मैं भूल गई थी। ये देखिए ये एनवलप आगे से तो इस तरह रेडी है, यहाँ से ये बार बार उठ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, डबल टेप लेना है। डबल टेप का छोटा सा हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा मैं इस तरह से काट कर इस तरह से लगा देना। नीचे का हिस्सा लग गया है, इस तरह से हम डबल टेप यहाँ लगा देंगे ताकि ये उठे ना बार बार। शुरू करते हैं हम। ये मैंने हैंडमेड पेपर लिया है और हैंडमेड पेपर को जिस तरह मैंने आपको बताया था वैसे ही कटिंग करके रेडी कर लिया है। इससे मैंने कोई आउटर शेप नहीं दिया, बिल्कुल सिंपल रेक्टेंगल शेप रखी है। इसे भी बिल्कुल उसी तरह आप माप लें, एनवलप रख लें मैं कुछ इस तरह से। इतना ऊपर ले लें इससे, एकदम माप से नहीं जावे नीचे, हल्का सा ऊपर ले लेंगे तो उसकी शो ज़्यादा आएगी। और सिर्फ प्रेस कर देंगे, इसमें ये नॉर्मली एनवलप से थोड़ा बड़ा होगा साइज में, क्योंकि एनवलप छोटा है। आप चाहें तो बड़ा एनवलप यूज कर सकते हैं इस तरह से। इस पर मैंने ये लेस का इस्तेमाल किया है, इसी चारों तरफ हम ये लेस लगा लेंगे ग्लू गन की हेल्प से। सेम उसी तरह आधा बाहर और आधा अंदर की तरफ। देखिए लगने के बाद ये इस तरह का दिखेगा कुछ। हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, तब हम इसके ऊपर ये लटकन लगाएंगे। अंदाजे से सेंटर देख लेंगे, इसमें हम ये बूटी का यूज़ किया है। इसमें इस तरह सबसे पहले हम बूटी पर चिपका लेते हैं। सेंटर पर ग्लू गन लगाएंगे हम, लटकन चिपका देंगे इस तरह से। ये बूटी के पीछे पीछे से लगा लेंगे ग्लू गन और इसे इस तरह इसके ऊपर लगा देंगे। 2 मिनट रुकेंगे सूखने के लिए। देखिए ये आपका एक और एनवलप रेडी हो गया है। उसी तरह अगर ये एनवलप आपको लगता है तो डबल टेप से आप इसे चिपका सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज आप उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं एक और एनवलप की तरह। ये बहुत सिंपल है ये एनवलप। ये जो एनवलप मैंने लिया है बिल्कुल वेलवेट पेपर उसी के साइज़ का मैंने कटिंग कर लिया है, बिल्कुल उसी के साइज़ का है। अब इसे ग्लू गन की हेल्प से
चिपका देंगे। इसमें मैंने ये लेस का इस्तेमाल किया है कटवर्क की, आपके पास कोई भी हो चलेगी। देखिए इसकी मैंने कटिंग की, अभी से इसके सेंटर पे हमें लगाना है इस तरह से। इसमें मैंने इस लेस को इस तरह से किया है कटिंग कि ये एक राउंड सर्कल बीच में आए, बाकी का हम निकाल देंगे। सबसे पहले हम ग्लू गन लगा लेते हैं। देखिए ये मैंने ग्लू गन से चिपका दिया है इसे। अब जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है वो हम कटिंग कर लेंगे, एनवलप को पलट कर सिंपल स्ट्रेट। ये देखिए ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसमें कुछ स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने वाइट स्टोन्स लिए हैं, हल्का का ग्लू गन लगा के हम सेंटर पे स्टोन लगा देंगे। इस तरह से थोड़े स्टोन हमें खाली जगह है वहां भी लगाने के। अंदाजे से आप लगा दीजिए। इसे लगाने पर थोड़ा क्लीन कर लेंगे ग्लूगन को। देखिए हमारा एक और एनवलप रेडी। बिल्कुल सिंपल है ये एनवलप, इसमें हमने सिर्फ ऊपर एक पेपर लगाया, बाकी हमारा पीछे से नॉर्मल है। देखिए हमारे सब एनवलप्स रेडी हो गए हैं। हमने कोशिश की है कुछ अलग अलग तरह के बनाने की, बहुत सिंपल है। इसमें आपके पास जो सामान हो, जो लेस हो, आप वो यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे भी आपको आइडिया आए आप वो आइडिया अपना यूज़ करके बना सकते हैं। आपको मेरे ये एनवलप्स पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के नए नए एनवलप सीखने के लिए आप हमारा पेज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।